हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग एचटीडीएक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एनिमे टिकटॉक कंपाइलेशन पार्ट 4। पार्ट 3, 2 और 1 पहले कर चुके हैं और ज़रूर आई होप आपने देखे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें देखते हैं कौन कौन से एनिमे होने वाले हैं और कौन कौन से मोमेंट्स होने वाले हैं, क्योंकि अगर आप एक हार्ड कोर किस्म के फ़ैन हैं एनिमे के, तो डेफिनेटली आप हमारी तरह इस क्लिप को इन्जॉय करेंगे। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए। 3, 2, 1 एंड। कौन सा है, कौन सा है, पहचान में नहीं आ रहा। अच्छा भी है, अच्छा लग रहा। अच्छा, मिक्स है, मिक्स है। वही बोकोनो हीरो एकेडमिया भी था बीच में। मैजिकल वर्ल्ड और ईविल टाइप होता है, वो बड़े अच्छे लगते हैं। एक रस नहीं आगर था मैंने तेरा स्किल्स था दा जैसे हाई स्कूल डीएक्सटी, बहुत अच्छा एंड में। और इन्हों से सजेस्ट करूँगा आप देखें, थोड़ा सॉफ्ट कोर है लेकिन अच्छा है। वो स्टोरी अच्छी लाइन, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। Who's all there? I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music every day like that. She last be too thick. My friends are all annoying, but we go dumb, yeah, we go stupid. थोड़ा कंटिन्यू रहता ना, और अच्छा लगता कहीं इनोसेंट फेसेस हैं, कहीं पे बैडएस फेस। She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Somewhere far away, I want. Ooh, yeah, edit, come on, yeah. Seriously, goosebumps आएंगे अगर आप इसको देखेंगे। So fucking oh, I love it. Kame ka kill yaar bahut acha hai, lekin iski ending seriously ro padenge aap. Hama bhi aaya tha bhai, क्या बात है, मज़ा आ गया यार देख के। और अगर आपको एनिमे का क्रेज़ है ना, तो मतलब सीरियसली आपको उसके एडिट्स भी अच्छे लगेंगे। मैं पर्सनली क्योंकि बहुत सारे एनिमेस देखता हूँ, कई तो मैं एनिमे ऐसे भी देख लेता हूँ मुझे उनका नाम भी नहीं पता होता, बस ऐसे रेंडमली एपिसोड शुरू होते हैं और फिर देखता जाता हूँ और फिर बाद में सोच रहा होता हूँ यार इसका नाम क्या था, सीरीज़ का नाम क्या था। जैसे चंद दिन पहले ना एक मैंने इंटरनेट पर क्लिप देखा, तो वो बड़ा ही डार्क क्लिप था। मतलब उसमें जो है ना, वो एक मैड साइंटिस्ट होता है और वो एक ह्यूमन को एक आप कह लें एक डॉग के साथ ट्रांसफ्यूज़ कर देते हो, छोटी सी किट होती है, बच्ची होती है, उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हो। और उसका जब ब्रदर जब मिलने आते हैं, तो वो दिखा रहा होता है मैड साइंटिस्ट, देखो मैंने जो है ना इसको बोलना सिखा दिया। तो कहते हैं कमाल का डॉग है, ये तो बोलते हैं, लेकिन जब उसके वो फ्रेजेस सुनते हैं ना, तो उसको याद आता है कि उसकी बहन यही फ्रेज सुनती थी। और वो इतना डार्क सीन था ना,
मैं फिर ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, बाद में मुझे पता लगा वो था फुल मेटल ब्रदरहुड अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट जो था ये इसका, मैंने बड़े कमेंट्स पढ़े ढूंढ के नाम निकाला, और वो इतना डार्क एनिमे था ना, सीरियसली देखने के बाद बंदा रो पड़ेगा। अकामे भी जो है ना वो भी बड़ा रुलाने वाले, हाई स्कूल DxD भी सही है, उस वो आप कह लें सॉफ्ट कोर टाइप है थोड़ा, लेकिन एनिमे देखा करो बड़ा मज़ा आता है देखने का। कार्टून्स से वे बेटर होते हैं एनिमे, आपको कुछ सिखा देते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह चीज़ें शेयर करते रहिएगा, और अगर आप एनिमे फैंस हैं तो हमें नए नए एनिमे सजेस्ट करें, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू।